कि जितना झूठ आप पहले बोल चुके हैं, अब वैक्सीन के सवाल पर आप तीन बयान बदल चुके। पहला बयान दिए कि पूरे देश को फ्री में वैक्सीन देंगे, फिर आपने कह दिया नहीं अभी हम 1 करोड़ ही मेरे पास मात्र है कि मैं दे सकता हूं, और 1 करोड़ के बाद कुछ दिनों के बाद 2 करोड़ को मैं वैक्सीन। जन अधिकार पार्टी का कोई भी सदस्य तब तक वैक्सीन नहीं लेगा जब तक आप हिंदुस्तान के आम आदमी को वैक्सीन नहीं देते। आप पहले वैक्सीन आम आदमी को दीजिए। आपने जो वादा किया था 100% वैक्सीन हम देंगे, अब आप 1 करोड़ से 2 करोड़ पर उतर चुके हैं और आप इसकी भी मार्केटिंग करते हैं। वैज्ञानिक पर पप्पू यादव और हमारी पार्टी को गर्व है, लेकिन वैक्सीन को भी विज्ञान को भी आप मोदी मय करिए, बीजेपी मय करिए, यह स्वीकार नहीं। मेरा सवाल है जोगी जी से, लव जिहाद पे, कृष्ण राम इन लोगों की जो प्रेम कथा थी, क्या ये हमारे भगवान जब प्रेम करते थे तो उसको भी आप लव जिहाद कहेंगे? स्वयंवर हुआ, जीते, उसको भी लव जिहाद कहेंगे? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यदि प्रेम करने वाला कोई परिवार है तो वो नेताओं का, पदाधिकारियों का, पूंजीपतियों का, बड़े घराने का है। आप लव जिहाद कानून बनाइए कि क्या कीजिए, उस पर पप्पू यादव का कोई मतलब नहीं, लेकिन लव जिहाद के आर में आप नफरत पैदा कीजिए, इसके खिलाफ है। दो व्यक्ति के आजादी और उसकी जिंदगी पर आप नफरत पैदा नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो पहले जितने नेताओं के घर में प्रेम विवाह हुआ है सबसे पहले केस उस पे करिए। सबसे पहले आज युवा परिषद की बैठक थी, हमारे युवा अध्यक्ष राजू दानवीर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व। आज निर्णय लिया गया है कि 23 तारीख को पूरे देश के किसानों के समर्थन में काले कानून के खिलाफ और MSP बनाने के लिए, के कानून को बनाने के लिए युवा परिषद के द्वारा राजभवन घेराव किया जाएगा। 26 तारीख को युवा परिषद के द्वारा पूरे बिहार में हर जिलों पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। हम 15 अगस्त को मनाएंगे जरूर, लेकिन इस देश के अन्नदाता और मजदूरों की आजादी की लड़ाई वहीं उसी दिन से शुरू करें। 26 जनवरी को पूरे बिहार में झंडोत्तोलन के बाद युवा परिषद के द्वारा हर जिले में ट्रैक्टर रैली और सुभाष चंद्र बोस जयंती पर 23 जनवरी को राजभवन में, और पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल बाबू वीर कुमार सिंह जी के धरती से किसान विरोधी सरकार के खिलाफ भारत के किसानों के आत्मा पर हमला करने वाली सरकार के खिलाफ किसान मजदूर रोजगार यात्रा कल 5 तारीख से बाबू वीर कुमार सिंह के मैदान से शुरू हो, कि हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा किसानों की सबसे बुरी स्थिति किसी राज्य की है तो वो बिहार की। लगभग 40% हम बिना जमीन के लोग हैं बिहार में, और रेस्ट जो है हम बटेदार हैं, सीमांत किसान। ये लड़ाई जो किसानों ने शुरू किया है
उसको बिहार समर्थन दे, और जरूरत पड़ी तो बिहार से हम लोग ट्रैक्टर लेकर के गाजियाबाद और सिंधु बॉर्डर की ओर कुछ करें। ये लड़ाई कल 5 तारीख से लेकर 23 और 26 तारीख का निर्णय अभी